बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज यू ऑल आई होप यू विल बी फाइन। लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 26 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पश्तो ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए कायम शुदा पश्तो एकेडमी किस शहर में है? पेशावर में। मोहम्मदी बेगम किस रिसाले की मदीद थी? तहजीब निस्वा की। गीत किस जुबान का लफ्ज़ है? हिंदी ज़ुबान का। ये खंडर माजी के दास्तांगो हैं, दुरुस्त जुमला ये है, ये खंडरात नहीं है, दुरुस्त जुमला ये खंडर माजी के दास्तांगो हैं। हमने इससे बिलमुशाफा गुफ्तगु की, दुरुस्त फिक्रा ये है। शम्मा और परवाना किसका मजमून है और किस अदबी रिसाले में छपा था? ये इम्तियाज अली ताज का है और मारूफ अदबी रिसाले में छपा था। समंदरी शहजादी और समंदरी मुरली ये कहानियाँ हैं और इसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। ड्रामा सैद हवस आगा हशर कश्मीरी ने लिखा है। ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है और बाद में ये हिजाब इम्तियाज बन जाती है जब इम्तियाज अली ताज के निकाह में आती है। फिल्म खानदान की कहानी इम्तियाज अली ताज ने लिखी थी। दिल्ली की चंद अजीबो गरीब हस्तियां अशरफ सबूही का मजमून है। मिर्जा अदीब को किस ड्रामे पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला था? पसे पर्दा पर। सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो ये हाली का शेर है और इन्होंने इब्ने बतूता के मुताबिक ये कहा था मुसद्दस हाली ने। नज़में हैं पतझड़ और शहर से दूर, ये दोनों नज़में इम्तियाज अली ताज ने। सबसे अच्छी आप बीती वो होती है जो बड़े दावे के बगैर बेतकल्लुफ और सादा अहवाल जिंदगी पर मुश्तमिल हो, ये सैयद अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। गुब्बारे कारवां के मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। अबुल कलाम आज़ाद की गुब्बारे खातिर मकातीब यानी खतूत का मजमू है और लास्ट ईयर इंटरव्यू में कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि गुब्बारे खातिर सिंध के एतबार से क्या है। मुहावरा के लुगवी माना है बातचीत करना। फिल्में हैं जमींदार और पगडंडी, दोनों फिल्मों के मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। इंसान की तीन मजीद हिस्से, छठी हिस हिस्से जमाल हिस्से मजाक के शोरा ने इजाज़ किए। नज़ीर अकबर आबादी को किसने चटकले बाज शायर कहा था? सलीम अख्तर ने अपनी किताब मुख्तसर तरीन तारीफ। झरोके के मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। रबूल रोकाब का आगाज किसने किया था? अरब का मजमू दस्ते सबा किसके नाम है? कुलसूम के नाम कुलसूम फैज की देवी थी इलिस कुलसूम और बाद में जब ये मुसलमान इलिस थी इलिस फैज, जब ये मुसलमान हुई थी तो कुलसूम नाम था। पाकिस्तानी फिल्में हैं गुलबार, चंदे, इंतजार और जहर इश्क, इनके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। गम ने कब आदमी को छू रहा है? वो हंसलों के वक्त खो रहा है, इसके मुसन्निफ हैं सैयद। नावल किसने लिखे? मोहम्मद असलम। सलमा और बिनवासी देवी के मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। किस शायर ने ज्यादा तकल्लुफ इस्तेमाल किया था? कुली कुतुब शाह ने तकरीबन 17 ड्रामा शमीम बिरादरान और वजीना, ये इन दोनों की कहानियां किसने लिखी हैं? इम्तियाज अली ताज। 1980 में उसलूब अहमद निसारी अंसारी की किस किताब को साहिया अकादमी अवार्ड मिला था? इकबाल की वासी की मुस्लिम मीना सुखवंती का दूसरा नाम क्या है? चंदा और यूरोप। बुस्तानी ख्याल की पहली जिल्द का तर्जमा 1866 में किसने किया था? ख्वाजा उस्मान ने। ड्रामा गूंगी जोरो और खुशी, ये दोनों ड्रामे इम्तियाज अली ताज ने लिखे। किन शोरा ने जनाना तखल्लुस इस्तेमाल किए थे? ये ग्रुप वालों को मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। बैत अली नासरीन, आबिद मिर्जा बेगम और जमीयत अली सुरैया। दास्तान को उर्दू नस्ल की सबसे खूबसूरत सिंध ज्ञान चंद जी ने कहा था। ड्रामा असीरे हवस, असीरे हिर्स नहीं असीरे हवस है और तुर्की हूर के मुसन्निफ हैं आगा हशर काश्मीर। बोस्तान ख्याल का 1881 में किसने तर्जमा किया था? मोहम्मद हसन अस्करी ने। उजाड़ रुतें शेरी मजमू है अजीज अहमद का। किन शोरा ने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया था? हफीज जालंधरी, जफर अली खान और इस्माइल। लड़की और शहीद ने नाज़ ड्रामे आगा हशर काश्मीर लिखे हैं।
दास्तान बोस्तान ख्याल किस दास्तान के जवाब में लिखी गई थी? दास्तान अमीर हमजा के जवाब में। सवाने उम्री हयातुन नज़ीर के मुसन्निफ हैं इफ्तखार अहमद सिद्दीकी। सवाने उम्री से मुराद ऐसी तसनीफ जिसमें किसी जिंदा शख्स की जिंदगी की रुदाद बयान की जाए। कुली कुतुब शाह और अली आदिल शाह बादशाह भी थे और शायर भी, ये दोनों बहमनी सल्तनत के बादशाह थे। शेरी मजमुआ पंधार अजीज़ अहमद ने लिखा है। बोस्ताने ख्याल की ज़ुबान फ़ारसी थी। समाने उम्री सीरत मोहम्मद अली के मुसन्निफ रईस अहमद जाफरी थे। बहमनी सल्तनत में उर्दू शायरी की कौन सी सिंफ ज़्यादा मकबूल हुई थी? मुसनवी। बोस्ताने ख्याल किस के अहद में लिखी गई थी? मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में। बदनाम शायर किसे कहा गया? मिर्ज़ा शौक को। सवाने उम्री हयात शिबली के मुसन्निफ सुलेमान निदवी। अंगारे में शामिल अफसाना दिल्ली की सैर किसने लिखा? रशीद जहां ने। सर सैयद की किताब जामे जम की ज़ुबान फ़ारसी थी। नात की जमा नाम है। सवाने उम्री ज़िक्र इकबाल के मुसन्निफ अब्दुल मजीद सालिक। उर्दू शायरी में मंजर निगारी के मुसन्निफ हैं सलाम संदेलवी। गालिब नामा कहाँ से शाये हुआ? दिल्ली से। ज़रीफ़ाना के उन्वान से इकबाल का तंजिया कलाम उनके किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में। आप बीती है याद अयाम इशरत फ़ानी। इसके मुसन्निफ़ हैं फ़रहतुल्ला बेग। किस मिसरे में ज़मायर इशारिया का इस्तेमाल हुआ है? अब धरा क्या है उसमें और इसमें। किसने कहा था कि उर्दू ज़ुबान बिरज भाषा से निकली है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ज़ुबान में खुजली होना के माना है लड़ने को आमादा होना। आप बीती सरगुज़िश्त के मुसन्निफ हैं अब्दुल मजीद सालिक। कौमी कौंसल बराए फ़िरोग उर्दू ज़बान का सह माही इल्मी व तहकीकी रिसाला कौन सा है? फ़िक्र व तहकीक। रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने तकरीज लिखी थी? गुलजार सुरूर पर। कौन सा जुज़ू मुसनवी का हिस्सा नहीं है? गुरेज। आप बीती आशिफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। ये आतिश का शेर है। 1857 में के वाकियात को मौजू बनाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सा ड्रामा लिखा था? आजमाइश। आप बीती नाकाबले फरामोश दीवान संघ मुफ्तों की है। रिसाला शेर व हिकमत किन की इदारत में निकलना शुरू हुआ था? मुगनी तबस्सुम और शहरियार की इदारत में। इकबाल बेगम का मंटो से क्या रिश्ता था? ये उनकी बहन थी। मीर का ताल्लुक दबस्तान दिल्ली से था। खाका एक वसीयत की तामील फरहतुल्ला बेग ने लिखा था। ड्रामा अनारकली में पलाट के वाकियात किस मकाम पर आए हैं? किला लाहौर पर। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद किसका दर्जा अहम है? ज़ौक का। और ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। याराने कोहन के मुसन्निफ हैं अब्दुल मजीद सालिक। सकते में फलक खौफ से मानदे ज़मीं है जुज बख्त यजीद अब कोई गर्दिश में नहीं। ये पता नहीं किसका शायर है, लिखा हुआ भी नहीं है, गूगल सर्च कीजिएगा इसे। अखबार तहजीब निस्वा किसने जारी किया था? मुमताज़ अली ने। गूगल सर्च कीजिएगा और इस शेर का आंसर अगर मिल जाए तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यकीनन मैं भूल जाऊंगी गूगल सर्च करना। आंतों में बल पड़ना ये दुरुस्त मुहावरा है। किस सिंफ को बयानिया शायरी की मेराज समझा जाता है? मुसनवी को। नज़म नाला यतीम इकबाल ने लिखी है। दे सूरतें इलाही अब्दुल सलाम खुर्शीद की तसनीफ़ है। दे सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब देखने को जिनको आँखें तरसतियां हैं। पुख्ता की ज़िद क्या है खाम? दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती थे और उनका ताल्लुक किस सल्तनत से था? आदिल शाही सल्तनत से। सेहत और बचपन इस्म आम की कौन सी किस्म है? इस्म कैफियत। आँखें तरसती हैं जुगन्नाथ आज़ाद।
हाल ही ने मुकदमा शेर व शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ात किए उनका जवाब हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की? मसूद रिजवी ने। फ़र्क की जमा अफराक जो मिले थे रास्ते में अहमद बशीर। संस्कृत ड्रामे पर लिखी गई सबसे कदीम किताब नाटिया शास्त्र के मुसन्निफ़ हैं भरत मिनी। रिसाला शगुफा तंजिया व मज़ाहिया है और शफीक रहमान ने जारी किया था। दीदो शनीद रसीद रईस अहमद जाफरी की तसनीफ़ है। बकौल राम बाबू सक्सेना नासिख और उनके शागिर्दों का कलाम उस ज़माने की निस्वानियत का पता देता है। ये किस दबस्तान शायरी की खसूसियत थी? निस्वानियत लखनऊ की। आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे ये नोट्स। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।